उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अब पटना व भागलपुर भी जुड़ जाएंगे। यह खुशखबरी है भागलपुर और पटना के लोगों के लिए जो यूपी जाना चाहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कनेक्टिविटी उन्हें भी मिलने वाली है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बक्सर से पटना होते हुए भागलपुर तक जाएगी। यह सबसे बड़ी खबर है जानकारी के लिए जो लोग लगातार सफर करते हैं और सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं उनके लिए यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी रामबाण से कम नहीं है। बिहार सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बिजली और ब्रिज बनाने पर लगी हुई है ताकि यहाँ पर बिहार में सुविधाओं में कोई कमी ना रहे। इसी को देखते हुए यह जो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है पटना और भागलपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा गया है कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार खबर है। दानापुर बेहटा एलिवेटेड सड़क का भी काम जून से शुरू हो जाएगा। हमने आपको पिछली खबर में यह जानकारी भी दी थी कि 9 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। गंडक नदी पर अदलवाड़ी मानिकपुर और पटना रिंग रोड के तहत गंगा नदी पर शेरपुर से दिघवारा तक पुल बनने का काम भी जून तक शुरू हो जाएगा। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे से बोधगया और राजगीर को भी जोड़ा जाएगा। गुरुवार को ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ की कुल 9 परियोजनाओं पर जून तक काम शुरू करने का आदेश दे दिया है। नवीन ने बुधवार को सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमानी के साथ मुलाकात कर इन परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में NHIDCL के MD चंचल कुमार भी मौजूद थे। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि कोइलवर बिहटा के बीच 4-लेन सड़क के निर्माण के लिए जल्द ही टेंडर जारी करने पर सहमति बन जाएगी। केंद्र सरकार इसके लिए राशि मुहैया कराएगी और काम NH सेक्शन द्वारा कराया जाएगा। गंडक नदी पर अदुबारी मानिकपुर पुल का डिजाइन 30 अप्रैल तक तैयार कर लेने की सहमति बनी है। आपको बता दें कि गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे से राज्य के महत्वपूर्ण शहर भी जुड़ने वाले हैं। सुल्तानगंज देवघर कांवड़िया पथ के चौड़ीकरण और गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेस वे से राज्य के महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी देने पर केंद्र के साथ सहमति बनी है। राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री पैकेज के शेष बचे हुए कामों की स्वीकृति और भारतमाला परियोजना के तहत बचे हुए 373 किलोमीटर की सड़क परियोजना की स्वीकृति जल्द ही दिए जाने का अनुरोध किया गया। पटना शहर के सरिस्ताबाद नथुपुर सड़क का निर्माण पटना गया डूबी फोरलेन के चेंज ऑफ स्कोप के तहत कराए जाने और NH 119A के रामनगर कच्ची दरगाह और आमस दरभंगा NH 119D के कच्ची दरगाह जंक्शन पर मल्टीलेयर ट्रम्पेट बनाए जाने के लिए IIT दिल्ली के विशेषज्ञों के साथ अध्ययन कराने का निर्देश भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया गया है। राज्य अंतर्गत NH पर स्थित 65 ब्लैंक स्पॉट ग्रे स्पॉट के सुधार के लिए 2 महीने के अंदर सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कर ब्लैक स्पॉट ग्रे स्पॉट को समाप्त किया जाएगा।